हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुआवे नोवा वाई 90 के बारे में। जी हाँ, ये रिसेंटली अभी दुबई में लॉन्च हुआ है और फ़ोन देखने में रियली कमाल है। जैसे आप देख सकते हो, इस पर चार कलर में अवेलेबल है। मेरे पास है ब्लू कलर, ग्रीन भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक भी अच्छा है, दूसरा भी कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। प्लस इसमें खास है जो इसकी डिस्प्ले है, मतलब आप देखोगे कितने कम ब्रिजल्स हैं। 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बहुत ही छोटे ब्रिजल्स हैं, चिन भी ठीक लगा मुझे। और एक मिड रेंज फोन है, स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, साथ में 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है। काफ़ी देर बाद देख रहा हूँ हुआवे के फ़ोन में। हुआवे का भी रिसेंटली फ्लैगशिप फ़ोन आया था, हुआवे मेट XS2, जो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आजकल आप हुआवे में काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो, मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ चल रहा है इसमें। तो मेरे हिसाब से वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो शुरू करते हैं आज के अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में या कोई कंपैरिजन या कुछ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हुआवे नोवा वाई 90, तो ये हमारा बॉक्स हुआवे नोवा वाई 90। तो यहाँ पर हम खोलते हैं और देखते हैं इसका अंदर का कंटेंट। पहले मिलेगा फ़ोन, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो अरबिक में है, इसको हम रखते हैं साइड पे। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल और एक सिलिकॉन का कवर है सिंपल सा। 5000 mAh की बैटरी है और 40W का हुआवे सुपर चार्जर मिल जाता है। टाइप सी टू USB-A डाटा केबल है। फ़ोन को निकालते हैं बाहर। तो लुक्स मुझे रियली काफ़ी इंप्रेसिव लगी। जो इसका कैमरा लेआउट है, रिंग स्टाइल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर क्रिस्टल ब्लू कलर मेरे को मिला है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ग्रीन, वाइट और ब्लैक में मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक फ्रेम है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम की, 3.5 mm ऑडियो जैक, नॉइस कैंसिलेशन और बॉटम में सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर। 2 नैनो सिम कार्ड इसमें डल सकते हैं। फोन को ऑन करेंगे 6.7 inch की फुल HD IPS LCD स्क्रीन, 90Hz का रिफ्रेश रेट, 1.05 mm अल्ट्रा नैरो ब्रिजल्स मिलते हैं जो बहुत ही कम है, मतलब क्या स्क्रीन है। 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, हार्मनी OS मिलता है इसमें, EMI UI 12.0 जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। अबाउट फोन में सीधा चलते हैं तो स्नैपड्रैगन 680 8GB रैम वाला वेरिएंट है 128GB स्टोरेज के साथ। और अगर हम डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट देखते हैं तो इसमें आपको 60Hz एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट की ऑप्शन मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से एक मिड रेंज फ़ोन के लिए नॉट बैड। इसमें आप इजीली इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हो इनके ऐप गैलरी स्टोर से। देखो मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ट्विटर, यहाँ पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब वेन से आप इजीली यूट्यूब भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। साइन इन करो अपना अकाउंट और ईजिली देख सकते हो। जैसे कोई भी वीडियो चला के देख लेते हैं, देख ले, बड़े मस्त से चल रही है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। व्हाट्सअप भी हम चल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही चल रहा है हुआवे में, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये फ़ोन लेते हो। वहीं अगर बेंचमार्क की बात कीजिए तो Antutu देखते हैं तो 2,26,800 के पास स्कोर आया है, नॉट बैड स्नैपड्रैगन 680 के हिसाब से। Geekbench में सिंगल कोर 385 और मल्टी कोर 1660। CPU थ्रॉटल ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि कितना अच्छा OS है और थ्रॉटल करता है या नहीं। तो 89%, नॉट बैड, रियली इम्प्रेसिव। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो जैसे मैंने कहा था, इसकी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। इवन एमोलेड पैनल नहीं है मगर तब भी काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि ब्रिजल्स बहुत छोटे हैं और चिन भी काफ़ी कम है, सिंगल पंच होल भी मतलब बहुत छोटा सा है। तो मुझे रियली काफ़ी बढ़िया लगी एज अ मिड रेंज फ़ोन, मतलब स्नैपड्रैगन 680 वाला फ़ोन है तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो इसके बाद ट्राई करते हैं पबजी और देखते हैं किस ग्राफिक में खेल सकते हैं और पबजी कितना बढ़िया हैंडल करता है, क्योंकि 6.7 inch का फ़ोन है तो बड़ा फ़ोन है तो खेलने में मज़ा काफ़ी आएगा। तो आपको स्मूथ प्लस हाई मिलता है, मतलब एक्सट्रीम 60fps नहीं मिलता। ये स्नैपड्रैगन 680 का कसूर है, कंपनी का नहीं कसूर, मगर एक छोटा सा डेथ मैच लगाते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो मैं एक नॉर्मल प्लेयर हूँ तो उसी हिसाब से जज करना। बाकी मैं मेन देखना चाहता हूँ कि स्नैपड्रैगन 680 कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि मुझे इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगी तो क्योंकि खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर हमें पहली किल मिल चुकी है और ये वो दूसरी किल भी, हेल्थ भी मेरी ठीक है, नॉट बैड। तो मैं ट्रिगर्स लगा के खेलता हूँ तो मतलब स्नैपड्रैगन 680 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते, मगर मगर तब भी गेम अच्छी चली मेरी। जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत मुझे लैग देखने को मिला क्योंकि मैंने काफ़ी मैचेस खेले थे और उसके बाद आपको इन शॉर्ट एक बढ़िया बढ़िया सा मैंने जो किल्स लिए वो दिखा दिए। तो कुछ लैगिंग मिलेगी क्योंकि बहुत तगड़ा ये नहीं है प्रोसेसर, मगर तब भी मज़ा आया खेल के। जैसे आप देख रहे हो बैटरी भी इसकी काफ़ी अच्छी, 5000 mAh की बैटरी आपको एक दिन से ज़्यादा बैकअप दे देगी।
तो मुझे बढ़िया लगी है इसकी। यहाँ पर हमें एक और किल मिल गई, तो गेमिंग ठीक हुई। अगर आप चाहते हो इसका पबजी टेस्ट, मतलब मैं सोच रहा हूँ आजकल जो भी फ़ोन रिव्यू किया करूँ उसके पबजी टेस्ट ज़रूर किया करूँ कि लोगों को जो गेमिंग में प्रेफरेंस करते हैं उनको एक आइडिया हो जाए। वाओ बच गया मैं, हेल्थ देखो मेरी कितनी कम है, तो नॉट बैड। तो एंड में मैच भी जीत गया और मैं MVP भी बन गया। अब ट्राई करते हैं इसका स्पीकर और देखते हैं स्पीकर की क्वालिटी। तो स्पीकर क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी, नॉट सो बैड, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से, मिड रेंज के हिसाब से अच्छी है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो। फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, तो 2+2 मुझे इतने खास नहीं लगते। बाकी इसमें आपको 10x का डिजिटल जूम भी मिल जाएगा और वीडियो में आपको 4K की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, ये भी स्नैपड्रैगन 680 का हाथ है। फ्रंट में भी आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ, देखते हैं कैसा है इसका कैमरा। तो मैंने हाई रेस रेजोल्यूशन के साथ पिक्चर्स ली थी जो मुझे कलर्स इसके काफ़ी अच्छे लगे। बाकी कुछ नॉर्मल शॉट्स भी लिए थे जो मुझे ठीक लगा, मतलब एक मिड रेंज के हिसाब से। वैसे हुआवे का कैमरा काफ़ी अच्छा था, ये पिक्चर काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। तो मैंने कुछ आउटडोर सनलाइट में भी पिक्चर्स ली थी, जो डायनामिक रेंज ठीक ठाक लगी मगर पिक्चर मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। इसमें येलो कलर भी काफ़ी नेचुरल आया है, नॉट सो बैड। बाकी आपको कैसा लगा कैमरा अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मतलब वीडियो मतलब पिक्चर मुझे काफ़ी पसंद आई है। ये मैंने शाम को ऑलमोस्ट 7 बजे के पास पिक्चर्स ली थी, मैंने देखा नाइट शॉट्स कैसे लेते हैं, तो ये मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं लगी, मतलब नॉट सो बैड। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरे में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो मुझे थोड़ा बड़ा इसमें ब्यूटी मोड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ठाक लगी। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से नॉट सो बैड। ओवरऑल बात की जाए तो लुक्स काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। स्नैपड्रैगन 680 मिड रेंज प्रोसेसर है, कैमरा भी ठीक लगा। मेन चीज़ मुझे लगा इसका जो लुक्स है काफ़ी अच्छी है। 5000 mAh की बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया दे रही है और 44 वॉट का चार्ज, मतलब 30 मिनट्स में कह रहे हैं 50% चार्ज कर लेते हैं। मैंने अभी ट्राई नहीं किया रेकॉर्ड टेस्ट करके। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी तो एक लाइक कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।